नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के स्पेशल शो मार्केट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जी हाँ, आपने और मैंने बचपन से ये कहावत सुनी है और मेरा यकीन है कि ये बात आप किसी और रूप में ही सही आगे की पीढ़ी को भी सुनाते रहेंगे। लेकिन क्या वाकई अब एजुकेशन की दुनिया में सिर्फ पढ़ना लिखना ही काफी है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी होनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है, जी हाँ होनी चाहिए, तो आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि ऐसा करने वाले स्कूल्स आखिर कौन कौन से हैं और कितने हैं। आपकी इस चॉइस ने एजुकेशन का एक बिग मार्केट खड़ा कर दिया है। स्कूलों के अलग अलग दावों के बीच कौन सी स्कूल क्या यूनिकनेस लेकर आया है आपके लिए, ये बताने के लिए मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त लवली वधवा आपके साथ। शिक्षा का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व होता है। किसी भी बच्चे के विकास में उसके स्कूल और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चे को परिवार और स्कूल से ही संस्कार दिए जाते हैं। बच्चे के विकास में उसकी प्रारंभिक शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो बच्चे बचपन में जो सीखते हैं वो आदतें हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहती है। ऐसे में अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल का सिलेक्शन करना पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज का युग कंपटीशन का है और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं मिले बल्कि उनका संपूर्ण विकास हो। वो ना सिर्फ पढ़ाई में नंबर वन हो बल्कि खेल कूद में भी सबसे आगे हो। स्कूल में बच्चों को ऐसी आदतें सिखाई जाए जिससे उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट साथ साथ हो सके। उन्हें पढ़ाई के साथ ही योगा और हेल्थ संबंधी सारी अच्छी आदतें सिखाई जाए। टेक्नोलॉजी ने आज हर फील्ड में प्रवेश कर लिया है और वर्तमान समय में शिक्षा में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। कई सारे स्कूल में ई लर्निंग और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आज हर पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि उनके बच्चों को न सिर्फ अच्छी एजुकेशन दी जाए बल्कि उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी किया जाए। आज बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, क्रिएटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करवाकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया जाता है। ई लर्निंग और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से बच्चों को कई सारी नई नई चीजें सिखाई जाती है और देश और दुनिया की जानकारी दी जाती है, ताकि बच्चा आज के कंपटीशन में सबसे आगे निकल सके। इसलिए हर पेरेंट की तलाश होती है अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल की। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका लाडला भी पढ़ाई लिखाई के साथ हर फील्ड में नंबर वन रहे, तो आज बात होगी इसी पर कि कौन से स्कूल्स हैं जो आपके बच्चे को स्मार्ट चाइल्ड बनाने में आपकी मदद करेंगे और उन्हें इस कंपटीशन के युग में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दोस्तों, आज के इस शो में मेरे साथ हैं सेंट एडमंड्स स्कूल से श्री दीपेंद्र सिंह जी। आपका स्वागत है दीपेंद्र जी। उदयपुर के रॉकवुड हाई स्कूल और सीपीएस से स्कूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री दीपक शर्मा जी, और साथ ही साथ में रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती सरिता कटियार जी। मैडम, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत के साथ में शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस खास शो की। सबसे पहले सरिता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या लगता है मैम आपको, आज का जो युग आ चुका है आधुनिक युग के अंदर, एजुकेशन कितना संभव हो चुका है एक आम आदमी से, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक अधिकार बन गया है, कानून बना दिया सरकार ने, लेकिन हम कितना सक्षम हैं एजुकेशन हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाने में जो एजुकेशन की तलाश में आप तक पहुंचता है? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद हम लोगों का सिस्टम बहुत वेल प्लान्ड है। कितनी हम बुराइयां कर लें, लेकिन जो सदियों से चला आ रहा है, इंडिया वॉज अ हब ऑफ एजुकेशन, वहाँ से अगर हम बात करें तो डाउन द लाइन हर लेवल के लिए, अगर अमीर हैं उनके लिए, अगर गरीब हैं उनके लिए, मिडिल क्लास है उनके लिए, सर्विस क्लास है उनके लिए, मासेस के लिए, क्लासेस के लिए, यू नो, स्कूल्स हमारे पास हर वैरायटी के अवेलेबल है। तो कोई पेरेंट ये नहीं कह सकता है कि मैं कहाँ जाऊँ। दीपक जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। उदयपुर में दो बड़े नामी गिनामी स्कूल्स जो हैं वो आप वहाँ पर संचालित करते हैं, आपकी नज़र में एजुकेशन का सही मतलब क्या है? देखिए साहब, एजुकेशन सिर्फ किताबी तक नहीं है। एजुकेशन के अंदर अगर हम देखें तो हर चीज़ कवर होती है, हमारे संस्कार, आपकी वैल्यू एजुकेशन, किस तरह से एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी है,
आपकी दिनचर्या किस तरीके से आपको प्लान करनी है, हर एक एस्पेक्ट को अगर हम लेंगे तो हम एक एजुकेशन को एक डाल सकते हैं। एजुकेशन एक इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा पैकेज है। अभी तक होते ही आया है, अगर हम बिफोर मिड 90s अगर देखें तो एजुकेशन के अंदर हमारे मतलब होता था कि साहब बच्चे को हमने स्कूल भेज दिया है और उसने अच्छे नंबर ले लिए हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो ये एजुकेशन है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इसको देखें तो ये अब नहीं है, क्योंकि अब पेरेंट्स एक कॉर्पोरेटाइजेशन आ गया है। अगर आप ये देखें कि पोस्ट 90s के बाद बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि कॉर्पोरेट्स में वर्क कर रहे हैं, और कुछ टर्म्स जो पहले एजुकेशन में यूज़ में नहीं आते थे वो आने लग गए हैं, जैसे कि वैल्यू फॉर मनी और कोर कॉम्पिटेंसीज। तो पेरेंट भी ये चाहता है कि अगर आज हमारा बच्चा स्कूल गया तो वो सब चीज़ें स्कूल में ही करके घर पर आए और घर पर आके क्वालिटी टाइम स्पेंड करे पेरेंट के साथ। दीपेन जी, आपके पास आना चाहूँगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में क्या कुछ नया कर रहे हैं आप? सी, एज वी मेंशनड, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे का। एक अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ह्यूमन ब्रेन हैज़ टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट, एंड एक साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस, और दूसरी साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिव थिंकिंग। सो इट्स गोइंग टू बी एन ओवरऑल पैकेज फॉर द स्टूडेंट। इज गोइंग टू बी मोर कॉन्फिडेंट, इज गोइंग टू बी मोर कम्फर्टेबल इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। For as far as our school is concerned, we go beyond the classroom. Teaching is not just in the books, not just in the classroom. It's what you do outside the classroom. Definitely, it matters a lot. Sarita ji, मैं आपके पास आना चाहूँगा, teaching के जो नए methods हैं उन पर हम बात करना चाहेंगे। Teaching के नए methods क्या हैं? टीचिंग के नए मेथड्स, मैं अगर इन इनकी बातों से सहमत होकर आगे बढ़ूँ तो जो वर्ड लिया गया ओवरऑल पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, नए मेथड्स में ये भी आता है कि हम नासा एक्सचेंज कर रहे हैं, हम वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में पार्ट ले रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ के बच्चों को बुला के एक्सचेंज कर रहे हैं। जब वो एक्सचेंज ऑफर्स होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, वहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा ISA इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड्स, उसमें हम ऑलरेडी लिस्टेड हैं 3 ईयर्स के लिए, एक्रेडिशन है वो, तो उसमें हमारे टाइप्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के स्कूल से, और हम उसमें लाइव चैट करवाते हैं बच्चों से। बड़ा अच्छा लगता है कि UK का बैठा हुआ बच्चा हमारे रायन इंटरनेशनल पद्मावती में जयपुर में बात कर रहा है और एक्सचेंज कर रहा है कि हमने ये लेटर में लिखा, आपने क्या लिखा। सो यू नो, ये सारी चीज़ें भी मिल के, ये भी नए मेथडोलॉजी, ये हमारे टाइम पर नहीं होता था, जब मैं स्कूल में थी ये सब नहीं होता था, अब ये होने लगा। फिर जैसा ई क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, ये तो हैं ही, काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, पढ़ाई भी इंटरनेट से जुड़ी हुई है, और हम लोग जैसे रायन है जो प्राइवेटली ओन्ड चेन ऑफ इंडिया की लार्जेस्ट चेन है, 130 स्कूल्स, हम सारे, आप लोगों को सरप्राइज होगा जानकर कि हम फेसबुक से कनेक्टेड हैं। सो हमारे अगर उदयपुर में कुछ हो रहा है तो हमें पता है, हमारे चेन्नई के स्कूल में जो हो रहा है हमें पता है, हम वहाँ से भी देखते हैं, अच्छा उन्होंने ये एक्टिविटी करवाई, अब हम ये करवाने वाले हैं। तो यू नो, ये भी एक मेथडोलॉजी है जिससे ब्रॉडन हो रहा है सबका होराइजन। सो ये सारे नए मेथड्स हैं, मेथडोलॉजी यही है, साइंस वही है, इंग्लिश भी वही है, लेकिन उसको पढ़ाने के पैटर्न्स दिन पर दिन इनोवेटिव और एडवांस्ड होते जा रहे हैं। दीपक जी, आपके पास आऊँगा, आजकल कंपटीशन का युग है, बच्चों के बचपन को महफूज रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, किस तरह से बच्चों के बचपन को उनका एहसास दिलाते हैं और महफूज रखते हैं आप? देखिए सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने अभी आपको एजुकेशन एक्सप्लेन किया था कि एजुकेशन एक होलिस्टिक पैकेज है। अब उसी के अंदर अगर हम बात करें कि बचपन, तो स्कूल में आपको उस टाइप की एक्टिविटीज़ करानी पड़ती है जिसको बच्चा एंजॉय भी करे। अब जैसे आप टीचिंग पेडोलॉजी की अपन बात करें, अभी आपने एक अभी प्रश्न पूछा टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर, तो अब एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि टॉक वे मेथड से किस तरह से पढ़ाया जाए। अभी हमने दोनों ही स्कूल में, सेंट्रल पब्लिक स्कूल और रॉकवुड हाई स्कूल, दोनों में ही हमने जो करिकुलम बनाया है उसके अंदर हमने सारे चैप्टर्स को 5 A's में डिवाइड कर दिया है, एम, एक्शन, एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड असेसमेंट। तो उसके अंदर बच्चे जैसे अब जैसे सॉइल पढ़ा रहे हैं तो आप सॉइल को फील करें, सॉइल के साथ मतलब किस प्रकार की लेयर्स होती हैं, अगर उसमें वाटर जा रहा है तो किस तरह का होएगा, अगर वो बिल्कुल ओपन में है, ड्राई के अंदर किस तरह, तो इस तरह से अगर जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चा एक फील फैक्टर के साथ करता है। दोस्तों, हम आपको विजिट करवाते हैं सबसे पहले उदयपुर के CPS स्कूल का, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं उसका हम आपको विजिट कराते हैं, उदयपुर CPS स्कूल का। स्कूल स्टार्ट किया तो बहुत ही जोश था, ऐसा लगता था मैं तो 10th में स्कूल स्टार्ट करूँगी तो भी खूब अच्छा चलेगा, और बच्चों को पढ़ाना है बस,
और इतनी अच्छी शिक्षा देनी है कि वो जिंदगी भर हमेशा हर फील्ड में सक्सेसफुल हों। बहुत जोश था, उल्लास था, लेकिन पता पड़ा कि पैसे की लिमिटेशन बड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। कई बार घर अपना गिरवी रखा, और जो पेरेंट्स कई बार नहीं समझ पाते थे, जिनको अवेयरनेस नहीं थी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी लिमिटेशन जो स्कूल ने फेस की वो पैसे के अलावा इस बात की थी कि पेरेंटिंग उस प्रकार की नहीं आती थी लोगों को। उनको समझाना, एक नई दिशा की सोच को जागृत करना, हर एक व्यक्ति को ये समझ पवाना कि हम स्कूल के पीछे क्या बेस लेकर आएँ, क्या विजन लाएँ। जैसे 6 घंटे के स्कूल के बीच में हमने 1 घंटे का क्रिएटिव पीरियड रखा। हम लोगों ने 8-10 ऑप्शंस दिए कि 6 घंटे के बीच में 1 घंटा बच्चा बाहर जाकर आउटडोर में क्रिकेट या बास्केटबॉल, विच एवर आउटडोर एक्टिविटी जो बच्चों को पसंद है वो चूज़ करे, या इंडोर एक्टिविटी या कोई क्रिएटिव आर्ट, क्राफ्ट, डांस, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, पर कुछ ऐसी चीज़ करे जिसके अंदर उसका रुझान हो और वह उस 6 घंटे के बीच में करे, न कि 10 महीने पढ़े और फिर 2 महीना जाकर ये सारी क्रिएटिविटी को सीखे। इसके पीछे मेन एम ये है कि जब 6-7 घंटे के पढ़ाई का जो ये ड्यूरेशन होता है उसमें जब बच्चा अपनी पसंद का कोई भी कार्य करता है तो भीतर का उत्साह, उल्लास, जोश, उमंग, ये हैप्पीनेस ये जागृत होती है, विलिंगनेस जागृत होती है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की बैलेंसिंग होती है, और फिर यही तो जरूरी है जिससे बच्चा आगे बढ़ता है। हम सारे त्योहारों को साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं, इस सोच के साथ अपन ने स्कूल स्टार्ट किया था। तो आप देखेंगे कि 3 स्फीयर्स हैं स्कूल के। एक तो है एकेडमिक्स, जिसके लिए हमने बहुत ही वेल प्लान तरीके से इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर रखा है, जिसमें हम सिर्फ बच्चों को एक चैप्टर एक्सप्लेन कर दें ऐसा नहीं, स्मार्ट बोर्ड्स लगा रखें, बच्चे उन चैप्टर्स को खुद देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और फिर पेयरिंग होती है, ग्रुपिंग होती है, रोज़ाना उनके डिस्कशन होते हैं। सीपियंस इस कारण से बहुत ही क्विक हैं और हर चीज़ के लिए उनका रेस्पॉन्स आप देखिए, और दिमाग में कई तरह के अपने जिज्ञासा लाते हैं, एक ललक है उनमें। और फिर उनको ये, एक तो स्फीयर है एकेडमिक्स का जिसमें हमने ये इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी को यूज़ किया है, तो दूसरा स्फीयर है उनकी रुचि का, उनके रुझान के ऑप्शंस, जैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, चेस, स्केटिंग, स्विमिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ ये लोग उस 6-7 घंटे के दौरान करते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको चूज़ करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। तीसरा स्फीयर आता है संस्कारों का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ये पहले 2 बेस हैं, पहले ये मजबूत होंगे तभी कोई भी इंसान आगे बढ़ेगा और जो भी डेजिग्नेशन पोस्ट उसको मिलेगी उसको सस्टेन कर पाएगा, सक्सेस को सस्टेन कर पाएगा। मार्क्स लाए जा सकते हैं, टॉपर हो सकते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को स्टेबल करके और स्पिरिचुअलिटी के साथ जब आगे बढ़ते हैं तब उस सक्सेस को अपन वास्तव में उपभोग में ला सकते हैं। राष्ट्रपति अवार्ड, ज्यूल ऑफ मेवाड़, आइकन ऑफ मेवाड़, और कई तरह के जो ये अवार्ड्स हैं, ज्यूल ऑफ उदयपुर, आइकन ऑफ मेवाड़ और राष्ट्रपति पुरस्कार, हाँ ये सारे अवार्ड्स मोटिवेट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो इसी बात का है कि हमारा 10th और 12th बोर्ड का रिज़ल्ट हमेशा टॉप पे रह रहा है, 100% मार्क्स लाने वाले बच्चे हर साल पिछले साल से बेहतर और ज़्यादा नंबर में हैं, हाईएस्ट नंबर है अपने स्कूल के बच्चों का। और सारे ही बच्चे जानते हैं कि उनको 3 स्फीयर में शिक्षा दी जा रही है, एकेडमिकली दे आर वेरी साउंड, वेरी स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ उनका जो इमोशंस का, उनका जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड वो स्ट्रांग हो रहा है। दोस्तों आज के इस खास शो में बात हो रही है एजुकेशन सेक्टर की। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे मार्केट फर्स्ट की ओर।